ये लड़की देखती है कि उसका पांव लकड़ी का बन चुका है। वो डर जाती है और दरवाजे की ओर जाने लगती है, लेकिन दरवाजे को टच करने से पहले उसका हाथ भी लकड़ी का बन जाता है। उससे दरवाजा नहीं खुलता। फिर अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी एक गुड़िया की बन जाती है। फिर वो लड़की आती है जो असल में एक प्लास्टिक की डॉल थी। अब उसने इसे प्लास्टिक का बना दिया और उसकी जगह ले ली। फिर वो उसकी जगह खाना बनाती है और उन्हीं के पेरेंट्स से प्यार करने लगती है। लेकिन उसके भाई को शक होता है। जो असल मौली होती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो जल्दी से उसे साफ कर देती है। फिर रात को असली मौली को डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन अगली सुबह उसका भाई देखता है कि उस डॉल की बैग पर एक निशान है जो उसकी सिस्टर का बर्थ निशान था। वो ये बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ बोलती है कि उस डॉल पर तो यहाँ कोई निशान नहीं था। अब इन्हें शक हो गया। वो मौली को बुलाते हैं, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसका राज खुल गया। वो वहाँ से भागने लगती है। मौली का भाई उसके पीछे जाता है। उसकी माँ देखती है कि ये उसी की बेटी है। वो उसे गले लगा लेती है। अपनी माँ के सच्चे प्यार की वजह से वो फिर से जिंदा होने लगती है। दूसरी ओर वो डॉल दोबारा से डॉल बनने लगती है और जल्दी उसकी पूरी बॉडी डॉल बन जाती है और वो गिर जाती है। सभी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी वो फिर से उठती है और एक ट्रक उसे कुचल देता है। ये सीन यहाँ पे कट होता है। दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो मौली के पास खड़ी होती है। वो बोलती है कि कौन इसे